आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आई फॉर इंडियंस में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे गुजरात की, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की, लगातार गायब भी रहे। राजकोट का मामला है, रेड जोन का इलाका है, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत ही सख्त कर रखी है, लेकिन हजारों माइग्रेंट लेबर आ जाते हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने लगते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है। पत्थरबाजी से याद आया एक शब्द, हमें इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो पत्थरबाजी होने लगती है तो क्या कश्मीर से वह लोग आए थे? क्योंकि पत्थरबाजी तो कश्मीर में होती है और तो भारत के अन्य हिस्सों में पत्थरबाजी होती नहीं है, क्योंकि 5-5 रुपए 10-10 रुपए दिए जाते हैं बच्चों को पत्थरबाजी करने के लिए, प्रोत्साहित किया जाता है। तो अब यह पत्थरबाजी कैसे हो रही है गुजरात में? कल तक तो आप कह रहे थे ममता बनर्जी असफल हैं अपने राज्य में लेबर्स को सुविधा देने में, आपने ऐसी कौन सी कमी कर दी कि अब लेबर पत्थरबाजी करने लगे, कश्मीरी बन गए वह लोग? कल तक कश्मीर के संबंध में जो शब्द कहे जाते थे, आज क्या आप इन माइग्रेंट लेबर के संबंध में कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन हम आपको एक बार बता दें, परिस्थितियां समान हैं। कश्मीर में भी जब अधिकारों का हनन किया जाता है, लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, आतंकवादी बताकर तमाम ऐसे लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है जिनके केसेस आज भी चल रहे हैं कि वह आतंकवादी थे या नहीं थे। लॉकडाउन में आज जनता परेशान हो चुकी है, आप सोशल मीडिया में देखें अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं कि हम परेशान हैं, पागल हो गए हैं, एंटरटेनमेंट के तौर से भी दे रहे हैं और संजीदा रूप से भी परेशानियां अपनी बता रहे हैं। तो जब आप इतने से लॉकडाउन में परेशान हो गए, तो जब कश्मीर में एक अनिश्चित काल का लॉकडाउन चलता है, जब वहाँ इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है, भूख होने भी लगती है, टाइम उन्हें भी पास करना होता है, इंटरनेट की आवश्यकता उन्हें भी है, क्या वे भारतीय नहीं हैं? यदि वे भारतीय नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। उन्होंने अपने आप को भारतीय माना था, इसलिए वे आज हमें दिख भी रहे हैं। लेकिन उनके साथ इस तरह का व्यवहार कि वह भारतीय नहीं है, सिर्फ कश्मीर ही हमारा हिस्सा है, कश्मीर ही भारत का हिस्सा है, उसका जवाब अब आपको दिखने लगा होगा। और ये बहुत पहले से भी दिख रहा था, लेकिन कोई इसकी बात करता नहीं था, चाहे वह आसाराम के समर्थक हों या राम रहीम के समर्थक हों। उन्होंने तो भोकाल मचा दिया था, पत्थरबाजी, बंदूक से गोलियां चल रही हैं, यह सब कौन कर रहा था? क्या वही 5-10 रुपए लेकर के आए थे? इन विषम परिस्थितियों में सरकार को अब समझ में आ गया होगा, हमारी जनता को भी समझ में आ गया होगा कि आखिर कश्मीर के लोग किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं बिना इंटरनेट के, एक लॉकडाउन की स्थिति लगातार बनी रहती है। लेकिन यहाँ असफल हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में। गुजरात के विकास मॉडल की बात की जाती थी, क्या हुआ उस विकास मॉडल का? क्यों दुर्गति हो गई? कैसे माइग्रेंट्स बाहर निकल आए? क्यों पुलिस पर पथराव होने लगा? और आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आवश्यकता क्यों पड़ी बाहर निकलने की 20 लाख करोड़ के बड़े पैकेज के बाद भी? जीडीपी का 10% निकाल दिया, उसके बाद भी शायद आपने कुछ भी नहीं निकाला है। आपने बजट के रूप में एक पैकेज पेश कर दिया है और शायद जनता यह जान चुकी है। आपने पिछली बार से 2014 से लगातार जितने वादे किए हैं, शायद ही इनमें से कोई वादा अपने 100% तक पहुंच पाएगा। और गरीब जनता यह महसूस कर चुकी है, उसे पता है कि सरकार कोई हमारे लिए सहायता नहीं देने वाली है, इसलिए वह घरों से निकल रहे हैं, रेड जोन में भी घुस रहे हैं। भले ही कोरोना से संक्रमित होने के आसार हैं, लेकिन उन्हें डर नहीं लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है सिर्फ तो भूख से मरने का। क्वारंटाइन सेंटर में भी जाने से लोग मना कर रहे हैं क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं हैं, उन असुविधाओं को लेकर उन्हें खेद है, इसलिए वह क्वारंटाइन सेंटर्स में भी जाने से डर रहे हैं। गुजरात सरकार के इस लापरवाही भरे रवैये के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।